नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानी एजुकेशन पर। हम जो है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे और उसमें जो लास्ट क्लास में अपन ने अपना जो 10वां चैप्टर है हेलोजन उत्पन्न वो अपन ने कंप्लीट किया था और उसका जो हेलोहैलिड्स जो होते हैं उनके रासायनिक गुणों के बारे में हमने चर्चा की थी, उनकी जो प्रमुख अभिक्रिया है उसको लेकर बात की थी। आज हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं, लेसन नंबर 11 जो है आपका, लेसन 11 जो है वो है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह। चैप्टर का क्या नाम है? ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह। भाग एक, भाग फर्स्ट है ये ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह। और यदि अगर एनसीआरटी की बात करें तो एनसीआरटी के अंदर इसी चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनोल और इथर। और तो इस चैप्टर के अंदर जो अपन अध्ययन करेंगे वो किसका अध्ययन करेंगे? एक तो अपन पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, एक अपन पढ़ेंगे फिनोल के बारे में पढ़ेंगे और एक अपन बात करेंगे इथर के बारे में। इथर नहीं, इथर, इथर क्या होता है? इथर, ठीक है। तो देखिए अल्कोहल क्या होता है? ROH। फिनोल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ हो? OH लगा हो। और इथर क्या होता है? ROR। तो अपन अल्कोहल, फिनोल और इथर में पढ़ेंगे। अगर RBSC के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी किताब के अंदर इस चैप्टर का नाम है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग एक। यदि आप NCERT के स्टूडेंट हो यानी NCERT का कोर्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनोल और इथर। तो इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। आप कहोगे सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अल्कोहल, इथर, फिनोल क्या है, तो टेंशन नहीं लेनी है, अपन एक एक को पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा अल्कोहल के ऊपर। अपन बात करेंगे अल्कोहल क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसके जो नामकरण है वो किस प्रकार से अपन करते हैं उसको लेकर भी बात करेंगे और इसके जो निर्माण की विधियां हैं उसको लेकर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अपन बात करेंगे अल्कोहल के बारे में। यहां हम बात करने वाले हैं अल्कोहल के बारे में। देखिए अल्कोहल क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक यौगिक है CH4, ठीक है। इसमें से मैं क्या करता हूं, अगर मान लो एक हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और क्या जुड़ रहा है, OH- जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3OH। ये जो OH जो माइनस है ना बाहर क्या निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा। ये जो OH माइनस है ना इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल समूह, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। OH- यानी हाइड्रोक्सिल समूह जो है इसको कहा जाता है। तो अब इसकी परिभाषा अपन क्या दे सकते हैं, देखिएगा, जब किसी हाइड्रोकार्बन से या अपन इसको कह सकते हैं एल्केन से, जब किसी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन, जब किसी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा या हाइड्रोक्सिल आयन द्वारा हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल कहते हैं, ठीक है जी। जब किसी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्कोहल के प्रकार के बारे में, भाई अल्कोहल क्या होता है। देखिए OH समूह की संख्या के आधार पर, यानी कितने OH जुड़े हुए हैं, OH समूह की संख्या के आधार पर जो है हम अल्कोहल को तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में। देखिएगा यदि मान लो कि जैसे मेरे पास है ये CH3CH2OH, इसके अंदर देखो OH कितना है, एक है, तो इसे अपन बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे इसको अपन, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। यदि OH कितना हो, एक हो। अगला जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो कि CH3 ये मैं लिखता हूं CH, ये OH और ये CH2OH, ठीक है। यहां पर OH कितने हैं, देखो OH दो है, तो इसको अपन बोलेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अगर दो OH लगे हो तो क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और यदि कंडीशन ये हो, मान लो कि CH2
यहाँ पर क्या लगा देता हूँ मैं OH, इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ, CH यहाँ पे भी क्या लगा दिया मैंने OH, और ये CH2OH। तो देखो यहाँ पर OH कितने हैं, आप कहोगे गुरुजी तीन OH है, तो इसे अपन बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल इसे अपन कहते हैं, ठीक है जी। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होगा कि जब, या ऐसे यूं कह सकते हैं कि जिस एल्कोहल में OH समूह की संख्या कितनी हो, एक हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक। और जब OH समूह की संख्या कितनी हो, दो, तो क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रिक। और जब OH समूह की संख्या कितनी हो, तीन, तो क्या बोलते हैं? ट्राईहाइड्रिक। तो ये हो गए आपके मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक, यानी तीन प्रकार के जो एल्कोहल होते हैं, OH समूह की संख्या के आधार पर जो एल्कोहल होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। यानी जब OH समूह की संख्या एक हो तो मोनोहाइड्रिक, OH समूह की संख्या दो हो तो डाईहाइड्रिक, OH समूह की संख्या तीन हो तो ट्राईहाइड्रिक, ठीक है जी, क्लियर। अब अपन बात करते हैं ये मोनोहाइड्रिक के प्रकार फिर से। ये जो मोनोहाइड्रिक जो होता है, देखिए मोनोहाइड्रिक फिर से तीन प्रकार का होता है, तो इसको भी लेकर अपन बात करते हैं। ये कंसेप्ट है, क्योंकि ये अगर कंसेप्ट आपने नहीं समझे तो फिर आगे चैप्टर समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से अपन इस चैप्टर को लेकर चलेंगे। जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है वो भी तीन प्रकार का होता है। देखिए अपन कैसे निकाल सकते हैं इसको, देखिए मैं लिख रहा हूं जैसे CH3, यहां पर लिखता हूं मैं ये CH3 और ये CH3, और यहां पर क्या लिख गया ये OH। अगला लेता हूं मैं CH3, ये CH, ये CH3 और ये OH। अगला लेता हूं मैं जैसे CH3, ये CH2 और OH, और एक लेता हूं मैं ये CH3OH, ठीक है जी। तो यहां पर अपन आते हैं, सबसे पहले इसको देखिएगा, ये OH है और ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखिए OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? आप कहोगे सर तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन से ये OH लगा हुआ है, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? तीन से, जिसे अपन बोलेंगे 3 डिग्री, या और बोल सकते हैं तृतीयक, यानी टर्शरी, इंग्लिश में बोलेंगे टर्शरी, तृतीयक। अब देखिएगा इस कार्बन से, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है, वो कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? आप कहोगे गुरुजी दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसे अपन बोलेंगे 2 डिग्री, या और बोल सकते हैं इसको द्वितीयक, यानी सेकेंडरी, ठीक है जी। अगला अपन बात करते हैं कि जिस कार्बन से OH लगा हुआ है, वह कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? आप कहोगे गुरुजी एक से, तो इसको अपन बोलेंगे 1 डिग्री या प्राथमिक। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री या प्राथमिक। और इसको अपन बोल सकते हैं 0 डिग्री भी कहते हैं, या कुछ जगह पे आपको इसको सुपर 1 डिग्री भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या मिल सकता है? सुपर 1 डिग्री, सुपर 1 डिग्री एल्कोहल भी अपन इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गए इसके एल्कोहल के बारे में बात कर ली अपन ने। OH समूह की संख्या के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अगर OH समूह की संख्या अगर एक हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक, दो हो तो डाईहाइड्रिक, तीन हो तो क्या कहेंगे? ट्राईहाइड्रिक। और उसी प्रकार से जो मोनोहाइड्रिक है, जिस कार्बन में या जिस कार्बन से OH जुड़ा होगा, अगर वो कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? तीन से, तो उसे अपन बोलेंगे तृतीयक। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन दो से जुड़ा हुआ है, तो उसे अपन बोलेंगे 2 डिग्री या द्वितीयक। और जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, अगर वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? 1 डिग्री या प्राथमिक, ठीक है जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं क्लास को। चलिए आगे चलते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं इनके नामकरण को लेकर, इसके नामकरण को लेकर अपन बात करते हैं कि इसका नामकरण किस प्रकार से करते हैं। नामकरण का एक सामान्य मैं बता रहा हूं आपको, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि नामकरण के लिए मैं एक विशेष वीडियो लेके आएंगे, जिसमें मैं सभी जितने भी आपके यौगिक हैं उनके नामकरण जो है, यूपीएससी नामकरण हो या सामान्य नामकरण हो, उसको लेकर हम जो है बात करेंगे, ठीक है जी। तो नामकरण की अपन बात करें तो देखो दो प्रकार से नाम अपन ले सकते हैं इसका। एक तो अपन बात करें रूढ़ पद्धति, या जिसे अपन बोलते हैं सामान्य पद्धति,
और दूसरी अपन बात कर लेते हैं जैसे IUPAC पद्धति, IUPAC जिसे अपन कहते हैं। देखिएगा रूड पद्धति में इसका नाम लिखते हैं अपन एल्किल एल्कोहल लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, और इसमें अपन लिखते हैं एल्केनोल, क्या लिख सकते हैं एल्केनोल लिख सकते हैं एल्केन प्लस ओल। जैसे मान लो कि आपके सामने ये मैं लिखता हूं CH3OH, तो एल्किल एल्कोहल के हिसाब से आप कहोगे सर ये मेथिल है और ये एल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। सामान्य पद्धति में इसका नाम क्या हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, क्या हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। और IUPAC में अगर अपन बात करें तो एल्केनोल यानी मेथेन प्लस ओल, यानी क्या हो जाएगा मेथेनोल, क्या हो जाएगा मेथेनोल हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा मेथेनोल। ठीक है जी, तो सामान्य पद्धति के नाम की तो अपने को कम आवश्यकता पड़ती है, फिर भी इसके दो चार अपन एग्जाम्पल करके देख लेते हैं भी कैसे क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसको अपन। देखिए मैं और एग्जाम्पल लेता हूं इसके कुछ, जैसे मैं लेता हूं CH3CH, यहां पे मैंने जोड़ दिया OH और ये CH2CH3। आपने पढ़ा होगा सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं IUPAC नामकरण में, तो ये हो गई आपकी सीधी श्रृंखला हो गई। अब अपने को करना है अंकन, यानी उस कार्बन को कम से कम अंक मिलना चाहिए जिसमें क्या जुड़ा हुआ हो OH जुड़ा हुआ हो। ठीक है जी, तो यहां से अपन करेंगे अंकन 1 2 3 4। गुरु जी इधर से क्यों किया, इधर से क्यों नहीं किया, अगर मैं इधर से करता 1 2 3 पे आ रहा है तो OH को कम से कम अंक मिलना चाहिए। ठीक है जी, तो अब एल्केनोल बोलते हैं इसको अपन पहले, यानी कार्बन की संख्या कितनी है 4, तो अपन क्या बोलेंगे इसको पहले ब्यूट, 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट, और कितने पे जुड़ा हुआ है ये नंबर 2 पे ब्यूट 2 ओल, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 ब्यूटेनोल, क्या लिख सकते हो 2 ब्यूटेनोल भी लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो 2 ब्यूटेनोल भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, और देखो इधर जैसे अपन लिखते हैं CH3 और यहां जोड़ देता हूं मैं ये OH, इधर भी मैंने जोड़ दिया ये OH, दोनों जगह पे जोड़ दिया मैंने ये OH और ये मैंने ले लिया इस तरह से CH3। तो लंबी श्रृंखला तो ये हो गई आपकी, अब अंकन किधर से भी करो चाहे 1 2 3। ठीक है, तो कार्बन कितने है जी, कार्बन 2 है तो क्या हो जाएगा 3 कार्बन है, 3 कार्बन को अपन क्या बोलेंगे प्रोप, क्या बोलेंगे प्रोप। ठीक है, प्रोब के बाद आप देख सकते हो कि 2 पर 2 एल्कोहल लगे हुए, तो 2 बार लिखेंगे अपन 2, 2, फिर लगेंगे डाई, डाई लगा दो डाईओल, क्या हो जाएगा डाईओल। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2, 2 डाई प्रोपेनोल, क्या लिख सकते हो डाई प्रोपेनोल भी इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के अपन बहुत सारे इसके नामकरण कर सकते हैं, मैं आपको एक दो एग्जांपल और बता देता हूं फिर अपन इसकी बात करते हैं इनके बनाने की जो विधियां हैं उस पर अपन फोकस करेंगे और मुख्य रूप से अपने को उसी के बारे में पढ़ना है, बनाने की जो विधियां हैं उसको लेकर अपने को बात करनी है। बहुत सारे फेमस नेम भी होते हैं इसके, जैसे मान लो मैं और लिखता हूं आपके सामने कुछ के फेमस नाम भी होते हैं, देखिए जैसे ये लिख रहा हूं मैं CH2OH, CH ये OH और ये CH2OH, इसका एक फेमस नाम भी है, इसका जो फेमस नाम है जिसे अपन सामान्य भाषा में इसको अपन बोलते हैं गिल्सरोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं गिल्सरोल। इसका जो सामान्य नाम है वो क्या होता है गिल्सरोल होता है, क्या होता है गिल्सरोल। अब अपन बात करते हैं इसके IUPAC नामकरण की बात करते हैं, ये तो हो गया इसका सामान्य नाम हो गया, IUPAC में देखो 1 2 3। ठीक है जी, तो देखो 1 पे भी OH लगा हुआ है, 2 पे भी OH लगा हुआ है, 3 पे भी क्या लगा हुआ है OH लगा हुआ है। तो अपन एक तो पहले सबसे पहले चलो कार्बन की संख्या लिख लो, रहे कार्बन कितने होते हैं प्रोप, 3 है तो क्या हो गया प्रोप। ठीक है, अब कहां कहां पे लगा हुआ है, 1 पे लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है, 3 को अपन क्या बोलते हैं ट्राई, क्या बोलते हैं ट्राई, और एल्कोहल का क्या लगाते हैं अपन ओल लगाते हैं, क्या लगाते हैं ओल लगाते हैं, एल्कोहल का जो नाम लिखते हैं अपन लास्ट में अपन क्या लगाते हैं ओल। तो इसका और भी नाम कैसे हो सकता है, देखो 1 2 3 ट्राई प्रोपेनोल, 1 2 3 ट्राई प्रोपेनोल। ठीक है जी, और देखो जैसे मैं लिखता हूं मान लो ये CH3, ये इधर मैंने लिख दिया OH, ऊपर मैंने क्या जोड़ दिया ये
सी एच थ्री, ये सी एच टू और ये ओ एच। यहाँ पहले सी एच थ्री जोड़ दो, चलो इधर भी सी एच थ्री। मुख्य श्रृंखला ये हो गई आपकी। अब अपने को करना है अंकन, इधर से करेंगे क्योंकि ये नजदीक पड़ता है, एक दो तीन चार। अब देखो ये प्रतिस्थापी है जो श्रृंखला के बाहर आता है, प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं इसे, बन प्रतिस्थापी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखा जाता है, मैं एक बेसिक बता रहा हूं आपको यहां पर, है ना। बाकी इसका एक अलग से वीडियो लेके आएंगे नामकरण को लेकर, बिल्कुल अलग से पूरे के पूरे, इसके अंदर आपके एल्कोहल भी होगा, कीटोन भी होगा, इथर भी होगा, सारे होंगे उसके अंदर, एमीन एमाइन जो भी होगा जो, ठीक है। तो क्या होगा, टू मेथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा, टू मेथिल। फिर कार्बन कितने बताओ, कार्बन है चार, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, और टू पे क्या है, ओल, टू ओल। और नाम क्या हो सकता है इसका, ऊपर लिख रहा हूं इधर देखो, टू मेथिल टू ब्यूटेनॉल, टू ब्यूटेनॉल, ये भी अपन लिख सकते हैं इसका नाम, टू ब्यूटेनॉल, ठीक है जी। तो ये एक नामकरण को लेकर अपन ने बात की, बहुत ही इजी है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए तो अपन आगे बात करते हैं इसके निर्माण की विधियों को लेकर। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके निर्माण की, जो विधियां हैं उन निर्माण की विधियों को लेकर हम चर्चा करेंगे कि कैसे इनका निर्माण होता है, ठीक है जी। चलो इसकी अपन बात करते हैं निर्माण की विधियों में, एल्कोहल निर्माण की विधियां, है ना। यहां अपन सबसे पहले जो बात करेंगे, केवल इस लेक्चर में अपन या इस अध्याय में भी अपन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ही पढ़ेंगे, डाइहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल जो है अपने कोर्स में नहीं है। तो हम बात करेंगे केवल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के जो निर्माण की जो विधियां होती है उसको लेकर बात करेंगे। एक बात और मैं कहना चाहूंगा आपको कि जैसे कि आपने देखा ही होगा, न्यूज में आ भी गया है कल की, जो स्कूलें जो है सरकार जो है 16 नवंबर से पहले नहीं खोलेगी, और 16 नवंबर में भी वो क्या करेगी सरकार, उस पर पहले विचार करेगी, मीटिंग करेगी, भाई खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए, अगर खोलनी चाहिए तो किस बेसिस पे, किस आधार पर खोला जाए, किस तरह से इनको खोला जाए, ठीक है। तो आप उनके भरोसे ना रहे, आप अपनी पढ़ाई को करते रहे, क्योंकि परीक्षा तो होगी, ये तो आप दिमाग से निकाल देगी, परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा तो होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिलेबस जारी कर दिया है, इसका मतलब वो परीक्षा लेगा, और मैंने बताया था कि परीक्षा भी अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक होगी होगी। जो सिलेबस का जो वीडियो हमने बनाया था उसके अंदर मैंने बताया था, वही मान के चले डेट वही रहने वाली है, ठीक है जी। तो अपन बात करते हैं एल्कोहल निर्माण की विधियों के बारे में, एल्कोहल निर्माण की विधियां, ठीक है। एल्कोहल निर्माण की विधियों में सबसे पहले अपन बात करेंगे एल्कीन से, सबसे पहले किसमें अपन बात करेंगे, एल्कीन से, यानी एल्कीन से एल्कोहल अपन कैसे बनाएंगे, किसके द्वारा, एल्कीन से। कट तो नहीं रहा ये, दिख रहा है सब, एल्कीन से, ठीक है, चलो दिख रहा है। एल्कीन से कैसे अपन एल्कोहल बनाते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा, किसके द्वारा, अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा। देखो अम्ल उत्प्रेरित पहला जो है इसका एल्कीन से, अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा, जलयोजन द्वारा। अब देखो जल योजन यानी जल का योग होगा, अम्ल उत्प्रेरित यानी अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में क्या होगा, जल का योग होगा। एल्कीन से अपन बना रहे हैं, पहले मैं सामान्य अभिक्रिया बताता हूं आपको, जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड है CH2, इसकी क्रिया अपने को करानी है, किससे करानी है, जल से करवानी है, किससे करवानी है, जल से, ठीक है। तो ये क्या, किसकी उपस्थिति में कराएंगे अपन, अम्ल उत्प्रेरित यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। अब ये जल कैसे टूटेगा, ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, यहां से कोई भी बंध टूटेगा, जैसे मान लो कि ये बंध टूटा इधर गया, तो इस कार्बन पर तो क्या जाएगा, ऋणावेश, इस पर क्या आएगा, धनावेश। तो ये H प्लस कहां जुड़ेगा, इस कार्बन पर जुड़ेगा, और ये OH माइनस कहां जुड़ेगा, इस कार्बन पर जुड़ेगा। तो अगली कंडीशन क्या होगी, आप जानते हो कि जब भी एक पाई बंध टूटता है दो सिग्मा बंध बनते हैं, ठीक है जी। तो ये पाई बंध टूटेगा तो एक बंध तो यहां बनेगा इसके साथ, तो देखो हाइड्रोजन दो थे, ये जुड़ा, हाइड्रोजन कितने हो गए, तीन हो गए, ये सी एच टू है, इसके साथ क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। ओ सर बहुत ईजी, ये तो मजा आ गया। तो ये एल्किन कौन सी है, सममित है, कौन सी एल्किन है, सममित है। अब यदि कोई असममित एल्किन हो, और अगर असममित एल्किन पर अगर अपन ये क्रिया कराएं तो क्या होगा, देखो इसको मिटा रहा हूं मैं,
असममित एल्किन अगर अपन यहां पर लेते हैं तो वो जो अभिक्रिया है मार्कोनिकोप के नियम से होती है। अब तुम कहोगे सर मार्कोनिकोप नियम क्या होता है, तो कक्षा 11 में आपने जो 13वां चैप्टर उसमें जो एल्किन है एल्किन के रासायनिक गुणों के अंदर मार्कोनिकोप का नियम पढ़ा होगा। चलो यहां भी अपन बात करते हैं, देखिए असममित एल्किन यानी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और सामने क्या है H2O, किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है। तो अब बात आती कि ये कहां पर जुड़ेगा, इसको अपन तोड़ते हैं, कैसे टूटता है ये H प्लस और OH माइनस में, तो ये बंद है ना इस तरफ आएगा ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और अटैक यहां पर कौन करेगा H प्लस और यहां पर कौन जाएगा OH माइनस, क्योंकि इस पर क्या आएगा प्लस आएगा, तो ये क्या बनेगा बताओ CH3CH, यहां पर क्या लग जाएगा OH और ये CH3। अब तुम कहोगे गुरुजी ये बंद ऐसे ही क्यों टूटा, ये बंद ऐसे ही क्यों टूटा, देखो इसको समझने के लिए अपने को इसकी क्रियाविधि समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि जिस अभिक्रिया के अंदर कोई जब मध्यवर्ती जो बनता है यानी अभिक्रिया के बीच में सबसे पहले क्या होता है, जब अभिकारक अणु आपस में मिलते हैं ना तो तुरंत वो उत्पाद में नहीं बदलते, अभिकारक क्या बनाते हैं पहले मध्यवर्ती बनाते हैं, या तो मध्यवर्ती होती है फिर बीच में एक अवस्था आती है जिसे अपन बोलते हैं संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था कह सकते हो, या जो अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं मध्यवर्ती, और फिर मध्यवर्ती किसमें बदलता है उत्पाद में बदलता है। तो इसकी क्रियाविधि आपके कोर्स में नहीं दे रखी लेकिन फिर भी अपन इसको एक बार समझते हैं, अच्छी अभिक्रिया है कि कैसे क्या होता है ना, तो वहां पर अपने को पता चलेगा, क्योंकि देखो जब हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा तो यहां पर क्या बनेगा ये 2 डिग्री, देखो जब ये बन रहा है ना मध्यवर्ती कार्बन पर धनावेश आ रहा है तो इधर ये कार्बन से जुड़ा हुआ है इधर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो 2 डिग्री कार्बन धनावेश बनता है जो कि क्या होता है ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए यहां पर हाइड्रोजन जुड़ता है। अब अपन इसकी एक बार क्रियाविधि देख लेते हैं भी ये क्रियाविधि में कैसे क्या होता है वो अपन देखते हैं, देखो तो इसकी क्रियाविधि कैसे क्या होती है वो अपन समझते हैं। इसको एक तो ये बोर्ड पे डब्बे बहुत हो रहे हैं, इसका कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसको सैनिटाइज करना था लेकिन कर नहीं पाए, भूल गए, चलो कोई ना, दिख रहा है फिर भी अच्छा। तो ये जलयोजन की जो क्रियाविधि होती है वो हम समझते हैं, समझने के लिए थोड़ा इजी रहेगा अपन इसमें एथिन का उदाहरण ले लेते हैं। देखिए अपन क्या ले रहे हैं, जल ले रहे हैं इसके अंदर, एक तो अपन ने क्या लिया जल और क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना वो क्या करेगा एक H प्लस मुक्त करेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसे मान लो प्रथम पद के अंदर क्या होगा, देखो प्रथम पद में क्या होगा, देखो प्रथम पद में क्या होगा जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना H2SO4 ये टूटता है, ये देगा H प्लस और HSO4 माइनस, ऐसे टूटेगा। अब ये एच प्लस जो है ये क्रिया करेगा किसके साथ, जल के अणु के साथ क्रिया करेगा, यानी अगले में क्या होगा जो H2O अपन ने लिया था और ये H प्लस इसके साथ जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा H3O प्लस। गुरुजी कैसे होगा समझ में नहीं आया, तो इसको देखो कैसे होगा, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या है 2 लोन पेयर, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन है देखो H प्लस, अब इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, H प्लस है इसका मतलब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, ये सीधा अटैक करेगा इसके ऊपर, यहां से 2 लोन पेयर कौन देगा ऑक्सीजन देगा, तो ये क्या हो जाएगा HOH और ये H, इलेक्ट्रॉन किसने दिए ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया धनावेश, तो ये हो गया H3O+, क्या हो गया H3O+, ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपका कौन सा H3O, यानी जिसे अपन बोल सकते हैं हाइड्रोनियम आयन जो बन गया है आपका, कौन सा आयन बन गया हाइड्रोनियम। अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये हाइड्रोनियम आयन किस पर आक्रमण करेगा, एल्किन पर आक्रमण करेगा, किस पर आक्रमण करेगा एल्किन पर, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब ये आक्रमण करेगा किस पर, एल्किन पर, देखना कैसे आक्रमण करेगा CH2 डबल, थोड़ा आगे लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे CH2 डबल बॉन्ड CH2, समझने के लिए मैं ये ले रहा हूं आपके, या चलो आपको तो वो ले लेते हैं ताकि आपको ध्यान में रहेगा कि वहां पे ही ये आक्रमण क्यों करता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी। अब क्या होगा देखो, यहां पर ये H, ये H और ये H, ऑक्सीजन पर क्या है धनावेश, क्या है धनावेश, ऑक्सीजन से ये चीज सहन नहीं हुई,
ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? उच्च विद्युत ऋणी परमाणु है, और उच्च विद्युत ऋणी परमाणु को कभी धनावेश सहन नहीं होता है। इसने कहा कि भाई मेरे इज्जत का सवाल है, ऐसे थोड़ी होता है, तू वापस दे इलेक्ट्रॉन। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इधर ट्रांसफर, तो हाइड्रोजन पर क्या आएगा? धनावेश। अब देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पर, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे तभी तो ये क्या बनेगा? कार्बन धनायन बनेगा। और जब ये टू डिग्री धनायन होगा तो ही ये स्थायी होगा, बाकी स्थायी हो ही नहीं सकता। अपन जानते हैं ज्यादा स्थायित्व किसका होता है? टू डिग्री का होता है, ठीक है। तो अब देखो इस हाइड्रोजन पर क्या जाएगा? धनावेश आ जाएगा, क्योंकि ये इस पर धनावेश था, इसलिए ये हाइड्रोजन सीधा कहां जुड़ेगा? जहां पर क्या हो? ऋणावेश। और इसको ऋणावेश के लिए कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। कहां मिलेगा? यहां। तो अगली जो कंडीशन अपने को जो प्राप्त होगी, देखो क्या होगा। ये CH3 ऑलरेडी है ही है, इसकी क्रियाविधि बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छी है ये CH3 और ये CH। अब देखो इससे इलेक्ट्रॉन दूर हो गए तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा, ये धनावेश आ गया। और इस पर जुड़ गया तो CH2 और ये एक और आया, कितना हो गया? CH3। तो बाहर क्या निकल गया? ये H2O यहां से क्या निकल गया? बाहर निकल गया। अब देखो अभिक्रिया के अंदर जो बनाना, ये बना, ये होता है कार्बन धनायन, और ये 2 डिग्री है। देखो जिस कार्बन पर धनावेश है वो कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से जुड़ा हुआ, 2 डिग्री। अगर यही बंद अगर इधर आ जाते, यही बंद का इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ जाता तो इस कार्बन पर धनावेश आता, जो कि क्या हो जाता? 1 डिग्री हो जाता। भाई इस पर धनावेश होता तो ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, इधर 1 डिग्री हो जाता, तो 1 डिग्री का स्थायित्व क्या होता है? कम होता है। 1 डिग्री का जो स्थायित्व होता है वो क्या होता है? कम होता है, ठीक है जी। अब आगे क्या होगा? देखो ये तो हो गया प्रथम पद, अब अपन बात करते हैं द्वितीय पद की। देखिए द्वितीय पद में क्या होता है? द्वितीय पद में क्या होगा? ये जो कार्बन धनायन है इसके ऊपर आक्रमण होगा वापिस जल के अणु का। देखिए कैसे होता है, CH3CH इस पर क्या है? प्लस, और ये CH3, ठीक है जी। और यहां पर ये है जल का अणु, इस तरह से लिख देता हूं, ठीक है। अब ये जल के अणु का इस पर क्या होगा? फिर से आक्रमण होगा, ठीक है। जल के अणु का फिर से आक्रमण होगा, यानी ये जो इस पर क्या है, ये लोन पेयर है, ये फिर से इस पर आक्रमण होगा इस तरह से, ठीक है जी। फिर से इस पर क्या होगा? आक्रमण होगा। और अब इसके साथ कौन जुड़ेगा बताओ? आप कहोगे, सीधा कह सकते हो कि सर इसके साथ कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। तो ये क्या बनेगा? देखो CH3CH, अब इसको मैं से लिख रहा हूं खोल के, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब मैं कहूं इलेक्ट्रॉन किसने दिए? आप कहोगे सर ऑक्सीजन नहीं दे, तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। क्या जाएगा? धनावेश। और इधर क्या है? ये CH3, क्या है? CH3। कार्बन पर जुड़ गया तो कार्बन का धनावेश हट गया, और धनावेश किस पर आ गया? ऑक्सीजन पर। अब फिर देखो, फिर ऑक्सीजन पर क्या है? धनावेश। ऑक्सीजन उच्च विद्युत ऋणी परमाणु है, और उच्च विद्युत ऋणी परमाणु को धनावेश सहन नहीं होगा, तो ये फिर से क्या करेगा? ये क्या करेगा? फिर से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। फिर से क्या करेगा? हाइड्रोजन को यहां से क्या करेगा? बाहर निकाल देगा यहां से, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये कैसे निकालता है अपन इधर समझते हैं। देखो पूरा प्रोसेस, CH3, ये CH, ये ऑक्सीजन और ये H, इस पर क्या है? प्लस। ये निकालेगा यहां से बाहर, तो क्या बन जाएगा आपका? ये और भी सॉरी, यहां पर और क्या है? ये CH3, तो ये बनेगा CH3CH। अब क्या बचेगा नीचे? OH। क्या बचेगा? OH। इधर ये CH3 और बाहर क्या आ गया? H प्लस बाहर आ गया। कौन आ गया? H प्लस क्या आ गया? बाहर आ गया। अब ये H प्लस क्या करेगा? देखिएगा, ये H प्लस इधर लिख रहा हूं मैं ऊपर, थोड़ी मेरी उधर जगह नहीं बची नीचे, ठीक है। ये जो H प्लस है ये क्रिया करेगा किससे? जल से। और ये बनाएगा, क्या बनाएगा? H3O प्लस। और ये H3O प्लस जो है ये फिर से क्रिया करेगा किससे? HSO4 माइनस से, और क्या निकल जाएगा बाहर? H2SO4 प्लस H2O। तो पूरी ये अभिक्रिया की क्रियाविधि जो आपने देखी, इसके अंदर क्या होता है? ये विप्रोटोनीकरण होता है। विप्रोटोनीकरण का मतलब तीसरे पद की अपन बात करते हैं, यानी प्रोटोन का निकलना, प्रोटोन का निकलना, ठीक है जी। यहां से ये H+ क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। तो समझ में आ गया, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर जो मध्यवर्ती बनता है ये 2 डिग्री कार्बन धनायन बनता है, और 2 डिग्री कार्बन धनायन क्या होता है? 1 डिग्री की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है। अगर यही बंद के इलेक्ट्रॉन अगर इस पर आते तो इस कार्बन पर क्या जाता? धनावेश आ जाता। क्या जाता? धनावेश, जो कि क्या होता? 1 डिग्री। और 1 डिग्री का स्थायित्व क्या होता है? कम होता है। 1 डिग्री का स्थायित्व क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो ये आपकी अभिक्रिया की जो है पूरी क्रियाविधि हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
बहुत इजी है, कुछ भी ज्यादा इसके अंदर विशेष नहीं है। ठीक है चलो एक बार मिटा देते हैं, फिर मैं भी थोड़ा पानी वगैरह पी लेता हूँ। चलो ये तो हो गई अम्ल उत्प्रेरित, कौन सी हो गई, यानी अम्ल की उपस्थिति में जलीय वजन यानी जल का योग कराया अपन ने, अम्ल की उपस्थिति में करवाया, किसकी उपस्थिति में करवाया, अम्ल की उपस्थिति में। अगला जो अपन कराएंगे वो कराएंगे एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण से, एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण से, उससे पहले थोड़ा जल पी लिया जाए। एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण यानी ऑक्सीकरण होगा यहां पर, लाइबोरेन की क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ, एल्कीन के साथ। तो इसको एक बार मैं पहले डिटेल में आपको बता देता हूं, फिर अपन इसको आगे बात करेंगे। एल्कीन की क्रिया अपने को करानी है किसके साथ, लाइबोरेन के साथ करवानी है। देखिएगा ध्यान से, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी, इसकी क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ, BH3 के साथ करवाएंगे, किसके साथ कराएंगे, BH3 के साथ। तो क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, तो ये क्या बनेगा, CH3CH CH2 हो गया ना, और ये हो जाएगा आपका CH2 और ये हो जाएगा आपका BH2, भाई एक हाइड्रोजन यहां लग गया। अब इसकी क्रिया ध्यान दीजिएगा, इसकी क्रिया फिर से किससे कराएंगे, एल्कीन से, यानी CH2 BH2, इसकी क्रिया फिर से कराएंगे अपन एल्कीन के साथ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा देखिएगा, इसका एक हाइड्रोजन फिर यहां लग जाएगा, ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा देखो, CH3CH2 CH2, और ये क्या हो गया, BH, क्या हो गया, BH, भाई यहां से निकल गया। अब इधर क्या किससे जुड़ेगा ये बताओ, आपको कैसे इससे जुड़ेगा ये CH2 CH2 CH3, यही हुआ ना, यहां का जो हाइड्रोजन था ये वाला, देखो ये लग गया कहां पर, यहां पर, ये जो हाइड्रोजन था इधर वाला, मैं फिर से इधर से बताता हूं, ये हाइड्रोजन जुड़ा यहां पर, तो ये किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2, देखो CH3 CH3 CH2, यहां तक आ गए, फिर ये बी, एक हाइड्रोजन चला गया तो क्या बचेगा, BH, फिर इसके साथ कौन जुड़ा, ये जुड़ा ना, तो फिर ये CH2, फिर यहां पर हो गया ये CH2, फिर ये CH3, इस तरह से, ठीक है जी। तो इसको आप चाहो तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ये वाला और ये वाला समूह समान है ना, देखो दिख रहा है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, CH3 CH2 CH2, CH3 ये CH2 CH2, कितने हैं ये, दो है, तो यू कोष्टक में दो करके, और बाहर क्या हो गया, ये BH हो गया, क्या हो गया, BH, ठीक है जी। अब देखो आगे समझते हैं इसको, मैं शॉर्ट में कर दिया उसको, CH3 CH2 CH2, कितने हैं ये, दो, ये दो, फिर क्या है ये, BH, इसकी क्रिया फिर से कराएंगे एल्कीन से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब यहां का ये हाइड्रोजन लग जाएगा यहां पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, यानी इसके समान हो जाएगा, तो तीन समूह हो जाएंगे, तो तीन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अब, CH3 CH2 CH2, कितने हो गए, तीन हो गए, कैसे हुए, देखो ये हाइड्रोजन लगेगा यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, जो कि सेम है देखो, CH3 CH2, तो दो तो ऑलरेडी है, और ये क्या बन जाएगा, यानी कितने हो गए, तीन। अब यहां पर क्या हो गया बच्चा, बोरोन, ये है बोरोन, ठीक है जी। अब इसकी क्रिया अपन कराते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड से, किससे करवाते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड से, CH3 CH2 CH2, ये कितने हैं, तीन है, कितने हैं, तीन, और इसकी क्रिया अपन कराएंगे किससे, हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2, ये भी कितने अणु लेंगे अपन, तीन अणु लेंगे, कितने लेंगे, तीन अणु, तो ये बन जाएगा आपका 3 CH2 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 OH, और बाहर निकल जाएगा
H3BO3, क्या निकल जाएगा H3BO3। और यहां पर आप देख रहे हो ये क्या बन गया आपका एल्कोहल बन चुका है, क्या बन चुका है एल्कोहल। तो अपन ने क्या किया, क्या किया यहां पर एल्कीन की क्रिया कराई अपन ने, किससे डाइबोरेन से करवाई, किससे करवाई डाइबोरेन से करवाई, ठीक है। तो इससे क्या बना आपके पास एल्कोहल बना, क्या बना एल्कोहल। अब देखो यहां पर जो अपन बात करें जो ये एल्किल समूह है ना इसका नाम क्या होगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये जो है या कह सकते हो ये वाली सेम कंडीशन है ना इसका नाम क्या होगा। देखो यहां पर एल्किल कितने, देखो तीन एल्किल समूह है ना, एल्किल कह सकते हो या प्रोपिल कह सकते हो, एल्किल समूह तो एक प्रकार से ये तीन है और ये बोरेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ट्राई एल्किल बोरिन बोरेन, सॉरी ट्राई एल्किल बोरेन, इसका नाम क्या हो जाएगा ट्राई एल्किल बोरेन, ठीक है जी। जब इसे ट्राई एल्किल बोरेन की क्रिया अपन हाइड्रोजन परोक्साइड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है एल्कोहल बनता है। अब इस पूरी अभिक्रिया को मैं एक शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि आपके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी, बहुत ही इजी वे में जो इसको मैं आपको समझाता हूं। अपन ने देखो एल्किन कितनी ली, पहले तो ये काउंट करो, अपन ने एल्किन कितनी ली, देखो एल्किन अपन ने ली देखो एक, एक और दूसरी ये दो और तीसरी ये, यानी अपन ने एल्किन के तीन अणु काम में लिए, एल्किन के कितने अणु काम में लिए तीन अणु अपन ने एल्किन के काम में लिए, और जबकि डाइबोरेन अपन ने कितना लिया एक ही लिया, कितना लिया एक ही लिया, ठीक है जी। और फिर देखो हाइड्रोजन परोक्साइड, यहां पर हाइड्रोजन परोक्साइड के अपन ने कितने अणु काम में लिए, हाइड्रोजन परोक्साइड के भी अपन ने तीन अणु काम में लिए। चलो इसको समझते हैं व्यवस्थित तरीके से, देखिएगा ठीक है, इसको मिटा दूं और एक नई अभिक्रिया जो मैं आपको बताता हूं एक इजी लैंग्वेज में व्यवस्थित तरीके से, लैंग्वेज तो क्या है एक समझाने का जो तरीका है वो अपन एक बार इसको बता देते, एक बार मिटा दें। चलो ये तो एक आपकी किताब की जो अभिक्रिया थी मैंने किताबी तरीके से मैंने समझाया, अब मैं समझाता हूं मेरे तरीके से। अब हम समझेंगे देसी तरीके से, है ना, देसी देसी ना बोलिया कर चरी, गाने तो बहुत आते हैं है? देखो इधर एल्किन के अपन ने तीन अणु लिए थे तो मैं भी तीन ले लेता हूं, थोड़ा छोटा भी लिखने पड़ेंगे, दिख तो जाएगा ना, थोड़ा ऊपर और छोटा लिख देता हूं यहां पर CH3 CH double bond CH2, एक अणु फिर CH3 CH double bond CH2, दो अणु फिर CH3 CH double bond CH2, ये अपन ने एल्किन के तीन अणु ले लिए। फिर अपन ने लिया था BH3, क्या लिया था BH3, तीन हाइड्रोजन थे एक दो तीन, ठीक है जी, एक दो और ये तीन और ये बी, तीनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ये हाइड्रोजन गया कहां पर यहां पर, ये हाइड्रोजन गया कहां पर यहां पर, फिर ये हाइड्रोजन गया कहां पर ऊपर से ले आओ इसको, चलो या नीचे से ले जाओ, सभी नीचे से जा रहे तो चलो तू भी नीचे से ही जा, तू अलग से क्यों जाएगा, ये लो ये हाइड्रोजन जुड़ गया यहां पर, ठीक है जी। तो अब क्या बना, देखो इधर ये CH3 है जो है ही है आपका CH3, और यहां से ये हाइड्रोजन यहां आ गया तो ये क्या हो गया CH2, जब ये हाइड्रोजन यहां आएगा तो ये बंध टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा CH2, इसमें भी देखो ये क्या है CH3, ये हाइड्रोजन यहां आ गया क्या हो गया CH2, फिर CH2, इसमें भी क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2, तीन हाइड्रोजन चले गए, बचा कौन, केवल बी बचा यानी बोरोन, ये बोरोन को जोड़ दो इधर, ठीक है जी। तो इसको अब देखो तीन समूह है, तीन एल्किल समूह है और एक बोरोन, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना CH3 CH2 CH2, कितने हैं तीन, ये तीन और क्या है ये बोरोन, ये बोरोन, ये तो लिखा था पहले भी अपन ने, देखो आ गया ना। अब देखो इसकी क्रिया अपने को करानी है किसे, हाइड्रोजन परऑक्साइड से करवानी है, किससे करवानी है हाइड्रोजन परऑक्साइड से, तो चलो करवा लो, इसको मैंने खोल के लिख रहा हूं उसके लिए भी, देखो मैं फिर से यहां पर CH3 ये CH2 CH2 और ये इधर लिख रहा हूं ये बोरोन, CH3 CH2 CH2 ये बोरोन, फिर CH3
CH2 और ये बोरोन, ठीक है। चलो इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, सेंटर में सीध में, ताकि ठीक रहेगा। ये बोरोन, ये इधर और ये इधर, इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ है। इसकी क्रिया अपने को करानी है किसे, हाइड्रोजन परऑक्साइड से। और हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपन ने तीन अणु लिए थे। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, H2O2। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं H2O2 को समझने के लिए, H2O2। तीन अणु लिए थे अपन ने, देख लो, ठीक है। तो अब यहां से ये बाहर निकल जाएगा पूरा का पूरा, देखो ये वाला, ये समूह पूरा का पूरा क्या हो गया, बाहर निकल गया। हाइड्रोजन कितने, तीन। हाइड्रोजन कितने, तीन। ऑक्सीजन कितनी, तीन। और बोरोन कितना, एक। यानी बाहर क्या निकल गया, H3BO3, H3BO3, ये बाहर निकल गया, ठीक है। तीन हाइड्रोजन, तीन ऑक्सीजन और बोरोन, H3BO3। अब इधर क्या बचा, देखो केवल ये OH बचा, ये OH बचा, ये OH बचा। और ये OH कहां लगेगा, इधर लगेगा। ये OH कहां लगेगा, इधर लगेगा। और ये कहां लगेगा, ये लगेगा इधर, इस जगह पर, ठीक है। तो क्या बना, देखो CH3CH2CH2, फिर क्या लग गया, OH। CH3CH2CH2 क्या लग गया, OH। CH3CH2CH2 क्या लग गया, OH। यानी कितने अणु हो गए कुल, तीन। तो इसको मैं सभी को एक साथ ऐसे लिख देता हूं, 3CH3CH2CH2OH। यही तो अपने को प्राप्त हुआ था पहले भी, देखो यही तो प्राप्त हुआ था ना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये पूरी अभिक्रिया का आप एक सिस्टमेटिक तरीके से समझ सकते हो, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका कौन सा, एल्कीन के बोरोनीकरण से, किससे, एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण कह सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है ना, तो हाइड्रोबोरोनीकरण, ठीक है जी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अपन इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलो मिटा देते हैं इसको, अगली जो अपनी अभिक्रिया आती है वो आती है ऑक्सी मर्क्यूरीकरण द्वारा। यानी एल्कीन की क्रिया अपन कराएंगे, लेकिन ऑक्सी मर्क्यूरीकरण के द्वारा कराएंगे। किसके द्वारा कराएंगे, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण द्वारा, यानी अपचयन करवाएंगे अपन यहां पर। क्या कराएंगे, मर्क्यूरिक एसिटेट की क्रिया कराएंगे अपन किसके साथ, एल्कीन के साथ। मर्क्यूरिक एसिटेट की क्रिया अपन किसके साथ कराएंगे, एल्कीन के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, एल्कीन के साथ। यानी ये अपन लिखते हैं CH3CH2, ये हो गया एल्कीन। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में अपन क्या करते हैं, एल्कीन की जो अपन क्रिया कराते हैं वो कराते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ करवाते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और इसका जलीय विलयन होता है, तो इसके ऊपर क्या आते हैं, मर्क्यूरिक एसिटेट, ये होता है CH3COO2HG, इसके साथ अपन क्रिया करवाते हैं। तो क्या बनता है, देखो ये कुछ इस प्रकार से बनता है, CH3CH, यहां तो क्या लग जाएगा, OH, और ये आपका हो जाएगा CH2, और ये HG, और ये होता है आपका HG के बाद होता है COO, यहां पर ये होता है O, यानी कुछ इस प्रकार से, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं एक बार, CH3, है ना। ये इस प्रकार से इसमें ये जुड़ा होता है, ठीक है जी। अब आगे इसकी अपन क्या कराते हैं, इसका अपन अपचयन करवाते हैं, यानी OH का इस पर योग कराएंगे अपन सोडियम बोरोहाइड्रेट की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सोडियम बोरोहाइड्रेट की उपस्थिति में। इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, सोडियम बोरोहाइड्रेट की उपस्थिति में, NaH या NaBH4 इसकी उपस्थिति में। इसका योग कराएंगे अपन OH का योग कराएंगे, किसका कराएंगे, OH योग का। इसको अपन बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट, क्या बोलते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट। तो यहां से अपने को क्या मिलेगा, देखो
सीधा सा एल्कोहल मिल जाएगा CH3CH और ये OH और ये क्या हो जाएगा CH3, ये बन गया एल्कोहल। कोई ज्यादा विशेष इंपॉर्टेंट अभिक्रिया नहीं है। तो ये हो गया आपका ऑक्सी मर्क्यूरीकरण के द्वारा, किसके द्वारा हो गया ऑक्सी मर्क्यूरीकरण से, ठीक है जी। चलो बहुत इजी है, ज्यादा कुछ भी नहीं है आपको, बस केवल ये ध्यान रखना है इसके अंदर कैसे क्या क्या प्रोसेस है, मिटा दे। चलो अगली जो अभिक्रिया आ रही है ना उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, और वो मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से भाई, वो अभिक्रिया इस बार आएगी ग्रिन्यार अभिकर्मक से, ये आपको मिलेगा इस बार ग्रिन्यार अभिकर्मक, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ग्रिन्यार अभिकर्मक, ग्रिन्यार अभिकर्मक द्वारा अभिकर्मक, ये क्या होता है RMGX, ये होता है ना ग्रिन्यार अभिकर्मक। देखिएगा ग्रिन्यार अभिकर्मक की क्रियापन कीटोन से करवाते हैं या एल्डिहाइड से करवाते हैं या एस्टर से करवाते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या प्राप्त होता है एल्कोहल प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है एल्कोहल। इसको आप एक बार नॉर्मल तरीके से समझ लो किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, ये सी डबल बॉन्ड ओ इसकी क्रियापन करा रहे किसके साथ RMGX के साथ करवा रहे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस पर तो क्या आएगा आंशिक ऋणावेश, पर क्या आएगा आंशिक धनावेश आ जाएगा, क्या जाएगा इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश। तो अब देखो ये तो अटैक करेगा इसके ऊपर और ये अटैक करेगा इसके ऊपर, क्योंकि भाई ये ऋणावेश तो ये धनावेश पर अटैक करेगा और ये धनावेश तो ये ऋणावेश पर अटैक करेगा। तो अगली कंडीशन आपको क्या मिलेगी, देखो इधर ये कार्बन इसके साथ कौन लग गया R लग गया, ये लग गया R, तो ये R इसके साथ लग गया ना, तो ऊपर इधर इसके साथ कौन लगा ये O और ये कौन है MG और ये X, कौन लग गया MG और X लग गया, ठीक है जी। अब ये बहुत इजी है, देखो बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। अब अपन देखो इसका अपन क्या कराते हैं जल अपघटन करवाते हैं, क्या करवाते हैं इसका जल अपघटन, ठीक है क्या करवाएंगे जल अपघटन H और ये OH जल के द्वारा तोड़ना, तो ये अपन ने तोड़ दिया इसको, तो क्या बना देखो नीचे लिख रहा हूं मैं, इधर ये C और ये R, ये OH और बाहर क्या निकल गया आपका MG OHX, या आप इसको ऐसे लिख लो OH और ये X, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या बनता है आपका एल्कोहल बनता है, क्या बनता है एल्कोहल। अब अपन देखते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड का अगर अपन यहाँ पे उपयोग करें, किसका उपयोग करें फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पे भी एच हो यहाँ पे भी एच हो तो क्या बनेगा, देखो अगर दोनों जगह पे क्या हो एच हो तो क्या बन सकता है, दोनों जगह पे क्या हो एच हो तो क्या बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड से, ये तो मैंने जनरल प्रोसेस बताया कि क्या होगा, ठीक है ये अभिक्रिया नहीं है, ये अभिक्रिया नहीं है, अभिक्रिया में कैसे क्या क्या होता है ये मैंने बताया था। यहाँ पे आप कोई सा भी समूह जोड़ सकते हो, अगर यहाँ पे आर, यहाँ पे अगर आपने आर जोड़ा, समझो ध्यान से, यहाँ पे भी आपने H जोड़ा यहाँ पे भी H जोड़ा, तो ये क्या हो गया फॉर्मेल्डिहाइड हो गया ना HCHO। अगर यहाँ पर आप एक जगह पे क्या जोड़ दो R जोड़ दो एक जगह पे, ये हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। अगर आप दोनों जगह पे क्या जोड़ दो R जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा कीटोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कीटोन। तो अपन एक एक को लेके देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिन्यार अभिकर्मक के साथ क्रिया, किसके साथ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ग्रिन्यार अभिकर्मक की क्रिया। तो इसको भी समझना बहुत इंटरेस्टिंग है ध्यान से, और बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो इधर फॉर्मेल्डिहाइड और ग्रिन्यार अभिकर्मक, पहला अपन लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और ग्रिन्यार अभिकर्मक, ग्रिन्यार अभिकर्मक, या इसको शॉर्ट में लिख देता हूं मैं GR, समझ आना ठीक है। ग्रिन्यार अभिकर्मक को लिख रहा हूं मैं ग्रिन्यार रिएक्शन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने ग्रिन्यार अभिकर्मक, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है देखो, एक था फॉर्मेल्डिहाइड, कौन था फॉर्मेल्डिहाइड, एक था फॉर्मेल्डिहाइड और एक था ग्रिन्यार अभिकर्मक, एक था फॉर्मेल्डिहाइड और एक था ग्रिन्यार अभिकर्मक, दोनों में गहरी दोस्ती हो गई, दोनों में क्या हो गई गहरी दोस्ती हो गई, एक था फॉर्मेल्डिहाइड एक था ग्रिन्यार अभिकर्मक, दोनों में गहरी दोस्ती हो गई, दोनों में क्या हो गई गहरी दोस्ती हो गई, ये दोनों में क्या हो गई गहरी दोस्ती हो गई, और दोनों गए घूमने, दोनों कहां गए घूमने गए, और हाथ पकड़कर चल रहे थे, हाथ पकड़कर चल रहे थे। कहानी को ध्यान से सुनना,
हाथ पकड़कर चल रहे थे, हरियाली माउस का समय था, बरसात हो रही थी, बहुत ज्यादा पानी आ रहा था, और पानी के कारण क्या हुआ, ये पानी में बह गए, पानी में बह गए और इनका हाथ छूट गया, इनका हाथ क्या हो गया, छूट गया, दोनों बिछड़ गए। और जब आदमी बिछड़ जाते हैं तो आदमी क्या हो जाता है, गम के माहौल में चला जाता है, और जब वो गम के माहौल में चला जाता है तो वो किसका सेवन करता है, एल्कोहल का सेवन करता है। ठीक है, तो एक एल्डिहाइड था, एक ग्रिन्यार विक्रमक था, दोनों के बीच में दोस्ती हुई, दोनों हाथ पकड़ के चल रहे थे, बरसात हुई, पानी आ गया, पानी के कारण उनका हाथ छूट गया और क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। क्यों, क्योंकि गम के माहौल में क्या पिया जाता है, एल्कोहल। ये सी एच थ्री है और ये क्या हो गया, सी एच टू, क्या हो गया, सी एच टू, और ये ओ, और क्या लगा, ये ओ एच, क्या बन गया, एल्कोहल, कौन सा बन गया, एल्कोहल। और ये एम जी, एक तरफ ओ एच और एक तरफ क्या है, बी आर। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया ग्रिन्यार अभिकर्मक से करवाई जाती है, जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया ग्रिन्यार अभिकर्मक से करवाई जाती है तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। इंपॉर्टेंट कर देना ये पूरा ग्रिन्यार अभिकर्मक वाला पूरा इंपॉर्टेंट कर देना, 1 डिग्री या जिसे अपन क्या बोलते हैं प्राथमिक, जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया ग्रिन्यार अभिकर्मक के साथ कराई जाती है तो कौन सा बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। कौन सा बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर एक चीज चेंज कर देता हूं, मैं यहां पर केवल एक चीज चेंज करता हूं, ध्यान रखना, अगर इसकी जगह पे मैं H की जगह पे क्या लिख दूं, CH3 लिख दूं, क्या लिख दूं, CH3, इस H की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, CH3, तो ये हो गया एसिटाल्डिहाइड। तो यहां पे भी क्या जाएगा बताओ, एक हाइड्रोजन हटेगा और क्या जाएगा, CH3। अब बताओ ये क्या हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। देखो थोड़ा सा चेंज करते ही, ठीक है ना, अपन लेकिन यहां नहीं करेंगे, अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अपन ने किसके साथ कराई, ग्रिन्यार अभिकर्मक के साथ, तो कौन सा बना, 1 डिग्री एल्कोहल बना। कौन सा बना, 1 डिग्री एल्कोहल। अब देखो इसी फॉर्मेल्डिहाइड की जगह पे अपन क्या लेते हैं, एक ऑक्सीजन और लेते हैं, कौन लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, उसकी क्रिया करवाते हैं अपन, या ऑक्सीजन बोल सकते हैं या एथिलीन ऑक्साइड अपन उसको बोल सकते हैं, ऑक्सीजन या एथिलीन ऑक्साइड। ठीक है जी, ये होता है आपका CH2, ये एथिलीन ऑक्साइड, ये जिसे अपन और बोलते हैं ऑक्सीजन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। इसकी क्रिया अपन करा रहे किसके साथ, ग्रिन्यार अभिकर्मक के साथ करवा रहे, किसके साथ करवा रहे, इसको चलो मैं ऐसे लिखता हूं CH3, जैसे CH3 MgBr, ग्रिन्यार अभिकर्मक के साथ अपन क्रिया कराएंगे किसकी, ऑक्सीजन की करवाएंगे, किसकी क्रिया करवाएंगे, ऑक्सीजन की। तो अब यहां पर क्या होगा, देखो ये जो बंद है ना, ये बंद, ये टूट कर जाएगा किस पर, ऑक्सीजन पर जाएगा, ये बंद टूट कर कहां जाएगा, ऑक्सीजन पर, तो इस पर क्या जाएगा, धनावेश आएगा, क्या आएगा, धनावेश। तो ये तो जुड़ेगा इसके साथ, ठीक है, और ये जुड़ेगा किसके साथ, इसके साथ, इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ। तो अब बताओ अगली कंडीशन क्या होगी, अगली कंडीशन आप समझ सकते हो कि ये तो टूट गया, ये बंद तो यहां से, तो ये तो क्या हो गया, CH3 हो गया, क्या हो गया, CH3। ठीक है, और ये किसके साथ जुड़ गया, इसके साथ CH2, और CH2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, फिर से CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, और ये CH2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सीजन के साथ क्या, उसके साथ जुड़ा हुआ है, MgBr। ठीक है, अब इसका भी क्या करा दो, जल अपघटन करवा दो, क्या करवा दो, जल अपघटन। ठीक है, जल के द्वारा तोड़ दो, HOH, जल अपघटन करवा दिया, क्या बन जाएगा, CH3, CH2, CH2 और ये OH, और बाहर क्या निकल जाएगा, ये Mg, ऊपर क्या है, ये OH, और इधर क्या लिख देता हूं मैं, Br, है ना, तो ये और OH टूट गया ना यहां से, ये इधर आ गया, तो ये हो गया। देखो जब ऑक्सीजन की क्रिया ग्रिन्यार अभिकर्मक के साथ कराई जाती है, और या तो देखो जब ऑक्सीजन की क्रिया ग्रिन्यार अभिकर्मक के साथ करवाते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया ग्रिन्यार अभिकर्मक के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। जब ग्रिन्यार अभिकर्मक के साथ फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सीजन की क्रिया करवाई जाती है, अलग अलग कराएंगे, एक बार ऑक्सीजन की करवा दो, एक बार फॉर्मेल्डिहाइड की, तो दोनों अभिक्रियाओं में क्या बनेगा आपका, 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही इजी है, लोड नहीं लेना का बिल्कुल भी नहीं। चलो आगे करते हैं इसको ओपन। अब अपन लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एक एल्डिहाइड ले लो, फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड ले लेते हैं अपन, देखो तो फिर क्या होता है, देखो
फॉर्मेल्डिहाइड लेके ना लेके अपन लेते हैं एसिटेल्डिहाइड लेते हैं, क्या लेते हैं एसिटेल्डिहाइड। तो क्या होगा देखो, तो मैंने बताया था अगर अपन एसिटेल्डिहाइड ले लेते हैं तो क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। देखो इधर CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H CH3CHO, इसकी क्रिया अपन करा रहे हैं किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। वही प्रोसेस, ये जुड़ेगा इसके ऊपर और ये जुड़ेगा इसके ऊपर, क्या हो जाएगा CH3, इधर क्या हो गया ये H और ये किस कौन कौन जुड़ गया ये CH3 और ये ऑक्सीजन, इसके साथ कौन जुड़ गया ये MgBr, क्या कराएंगे जल अपघटन H2O से, ये टूटेगा और ये क्या बनेगा देखो इधर ये क्या है CH3, फिर ये क्या है CH, ये CH कौन जुड़ा हुआ है CH3, कौन जुड़ा हुआ है CH3, आगे क्या जुड़ा हुआ है OH, बाहर क्या निकला MgOHBr, ठीक है। तो देखो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने से, 2 से, तो आप कहोगे सर 2 डिग्री या द्वितीयक, ठीक है जी। तो यहां पर क्या बन गया आपका द्वितीयक अल्कोहल बन गया, क्या बन गया द्वितीयक अल्कोहल। अपन ने लिया क्या था, अपन ने लिया क्या था, अपन ने लिया था एसिटेल्डिहाइड, अपन ने फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लिया था, अपन ने लिया था एसिटेल्डिहाइड लिया था, अपन ने क्या लिया था एसिटेल्डिहाइड लिया था, ठीक है जी, क्लियर। अगला अपन लेते देखो, अगर मान लो यहां पर अपन ले लेते हैं एस्टर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एस्टर, तो क्या होगा अगर यहां पर एस्टर लिया जाएगा तो क्या होगा, देखो एस्टर लेंगे तो भी क्या बनेगा द्वितीयक अल्कोहल बनेगा। चलो अपन एस्टर लेके देखते हैं, अगर एस्टर का उपयोग किया जाएगा, एस्टर क्या होता है RCOOR, क्या होता है RCOOR होता है, ठीक है। तो यहां पे अपन ले लेते हैं कौन सा एस्टर ले लेते हैं, चलो अपन फॉर्मिक अम्ल का एस्टर ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं फॉर्मिक अम्ल का एस्टर, ठीक है जी। तो यहां पर ले लेता हूं मैं C2H5 CO और ये हो जाएगा OH, इस तरह से है ना RCOR हो गया ये एस्टर, यानी फॉर्मिक अम्ल का एस्टर ले रहे हैं, इसलिए हो जाएगा इसके अंदर सॉरी इसमें ऑक्सीजन यहां जुड़ी होगी इस तरह से, फॉर्मिक अम्ल का एस्टर ले रहे हैं, इसलिए नॉर्मल एस्टर लेते तो फिर क्या होता RCOOR होता, लेकिन फॉर्मिक अम्ल का एस्टर ले रहे अपन, इसकी क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, किसके साथ कराएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, सीधा सा है, इसको भी देखो लोड नहीं लेना, वही प्रोसेस होगा, ये कहां जुड़ेगा यहां जुड़ेगा और ये कहां जुड़ेगा ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट लिखते चलो क्या है ऊपर C2H5O और यहां पर ऑक्सीजन भी था सॉरी, तो ये ऑक्सीजन इस तरह से है ना O, और मिस्टेक हो रहा है इसमें आई थिंक C2 जोड़ने में मिस्टेक कहां हो गया अपने को RMgX, सही, बिल्कुल सही है, चलो ये हो जाएगा आपका MgBr, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बनेगा यहाँ पर, और ये क्या जुड़ेगा यहाँ से, ये जुड़ेगा CH3 यहाँ पर, तो कार्बन के भी देखो चारों बंद क्या हो गए पूरे हो गए है ना, तो ये एक योगात्मक उत्पाद बना बीच के अभिक्रिया के अंदर। अब अपन इसका क्या कराएंगे जल अपघटन कराएंगे, इसका क्या कराएंगे जल अपघटन, ठीक है। तो इसमें जल अपघटन थोड़े विचित्र तरीके से होता है, ठीक है जी, इसका अपन जल अपघटन कराएंगे इसका H2O का, तो ये बनेगा आपका बाहर क्या निकलेगा यहां से लिख देता हूं मैं, बाहर निकलेगा C2H5O और MgBr, ये निकल जाएगा बाहर यहां से MgBr, और बचेगा क्या, ये बचेगा अंदर आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और एक तरफ H, ठीक है। अब इसकी क्रिया अपन फिर से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करा देंगे, आगे की अभिक्रिया तो अपन पढ़ ही चुके हैं MgBr, ठीक है, आगे की तो अपन अभिक्रिया पढ़ी जैसे जैसे इससे पहले पढ़ी ना ये वाली, आगे की तो अभिक्रिया सेम हो जाएगी, देखो इसके जो जस्ट पहले पढ़ी अपन ने, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपन फॉर्मिक अम्ल का अगर क्या लेते हैं एस्टर लेते हैं तो ये इस प्रकार से अपने को जो है द्वितीयक अल्कोहल मिलता है। अब अगर अपन मान लो कि एल्डिहाइड ले ही नहीं, अपन क्या ले ले कीटोन ले ले, तो कीटोन लेंगे तो क्या बनेगा तृतीयक अल्कोहल बनेगा, मिटा दे इसको, आगे की देखो अभिक्रिया मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि
जस्ट इसके पहले की जो विक्रिया है वो अपन ने कराई इसके साथ, देखो तो आप उसके साथ आगे वही प्रोसेस है पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब अपन लेते हैं अगर कीटोन ले लेते हैं तो क्या होता है, देखो एल्डिहाइड के स्थान पर क्या ले ले अपन कीटोन ले ले अगर, तो क्या होगा अगर अपन कीटोन लेंगे, देखो यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी क्रिया अपन करा रहे हैं किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करवा रहे हैं, किसके साथ करवा रहे हैं, तो वही प्रोसेस, ये कहां जुड़ेगा यहां और ये कहां जुड़ेगा यहां पर जुड़ेगा, तो सीधा सा देख लो आप, ये CH3 इधर क्या हो जाएगा CH3, यहां पे भी क्या जुड़ गया आपका ये CH3, ये ऑक्सीजन, तो इसके साथ कौन जुड़ जाएगा ये MgBr, क्या कराना है जल अपघटन करवा दो, ये करवा दिया साहब, ठीक है। क्या है ये CH3, ये क्या है CH3, तीन CH3 जुड़े हुए हैं O, और ये क्या हो गया H, और ये बार क्या निकलेगा MgOH और ये Br, तो देखो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वह कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वह कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, आप कहोगे वह कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है सर, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका तृतीयक एल्कोहल, क्या हो जाएगा तृतीयक एल्कोहल, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बहुत सरल अभिक्रिया जो है हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान है। अब देखो और अगर अपन क्या करें, अगर अपन क्या करें यहां पर फॉर्मिक अम्ल का जो अपन ले रहे थे, फॉर्मिक अम्ल का एस्टर ले रहे थे, यहां पर अपन फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त अन्य एस्टर ले लें, यानी थोड़ा सा चेंज करना है उसके अंदर जो अपन ने इससे पहले की जो विक्रिया लिखी थी, तो उससे आपको वापस क्या प्राप्त हो जाएगा कीटोन प्राप्त हो जाएगा, और उसके आगे वही प्रोसेस होगी, यानी फॉर्मिक अम्ल का जो अपन एस्टर लिया था, अभी देखो C2H5O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अपन ने एच लगाया था ना, यहाँ पे क्या लिख दो CH3 लिख दो, क्या लिख दो CH3, वही प्रोसेस वापिस आपका CH3 MgBr, आगे देखो चल के क्या बनेगा कीटोन बनेगा, वही प्रोसेस, ये कहां जुड़ेगा यहां पर, ये कहां जुड़ेगा यहां पर, तो क्या बनेगा देखो ऊपर क्या है C2H5, ये ऑक्सीजन, इधर क्या लग गया ये CH3, नीचे क्या लग गया ये CH3, ये ऑक्सीजन, ये MgBr, क्या कराएंगे इसका जल अपघटन, क्या कराएंगे जल अपघटन, ठीक है। तो बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा C2H5O MgBr, ये निकल गया, तो बचा क्या देखो CH3, क्या बचा CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसकी क्रिया फिर से किसे करा देंगे RMgX से, ठीक है, ये क्या है कीटोन, और कीटोन की क्रिया कैसे कराते हैं, जस्ट इसके पहले की विक्रिया अपन ने करके देखी है, जस्ट इसके पहले की विक्रिया अपन ने करके देखी है, वेरी गुड, ठीक है जी। तो बहुत बढ़िया तरीके से इजी में आप समझ सकते हो इसका। अगला अपन बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की अपचयन से करवाएंगे अपन, तो ये होगी किसकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्रिया होगी, किसकी होगी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया, सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट मैं ये कहूंगा मेरी तरफ से, अगर एल्डिहाइड की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करें एल्कोहल निर्माण की, तो मैं यही कहूंगा कि ये जो अभिक्रिया अपन ने देखी थी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की, आप इनको अच्छे से पढ़ के जाए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जो अभिक्रिया अपन ने देखी है, आप एल्कोहल के निर्माण की विधि में इन अभिक्रियाओं को जरूर पढ़ के जाए, मेरे हिसाब से यहां से आपकी प्रश्न बनने की पूरी 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 यानी 100% संभावना है, 100% संभावना है, ठीक है जी, क्लियर। अगला अपन बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की अपचयन से, किससे एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से अगर अपन बात करें, तो अगर अपन एल्डिहाइड का अगर अपन अपचयन करवाते हैं तो आपको प्राथमिक एल्कोहल मिलेगा, और अगर कीटोन का अपचयन करवाते हैं तो आपको द्वितीयक एल्कोहल मिलेगा। देखिएगा एल्डिहाइड का अगर आप अपचयन करवाओगे तो आपको प्राथमिक एल्कोहल मिलेगा, और अगर आप द्वितीयक एल्कोहल सॉरी कीटोन का अपचयन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा द्वितीयक एल्कोहल मिलेगा। कैसे देखो, सबसे पहले मैं लेता हूं एल्डिहाइड यानी CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, ये मैंने लिया एल्डिहाइड। एक मैं लेता हूं कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, इसका भी मैं अपचयन कराता हूं 2H और इसका भी मैं कराता हूं 2H, ठीक है जी 2H, यानी अब क्या होगा यहां पर देखिएगा ये हाइड्रोजन जुड़ेगा यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए दो हाइड्रोजन है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका
CH3 हाइड्रोजन लग गए यहां पर, ये क्या हो जाएगा CH2OH। ठीक है जी, दोनों हाइड्रोजन काम में आ गए यहां पर, लग गए यहां पर। ठीक है जी, तो ये क्या बना 1 डिग्री एल्कोहल। इसमें देखो यहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन कहां पर लगेंगे, एक हाइड्रोजन तो लगेगा यहां पर, एक लगेगा यहां पर। ठीक है जी, तो क्या होगा देखो CH3 CH CH3 और ये क्या हो जाएगा OH। आप यूं समझ लो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो ये एच और ये एच। ठीक है, ये बंद इधर गया, ठीक है, तो ये इधर आया, तो इस पर तो क्या आएगा प्लस, इस पर क्या आएगा माइनस, इस पर क्या आएगा माइनस, इस पर क्या आएगा प्लस, तो प्लस वाला तो जुड़ जाएगा यहां पर, माइनस वाला जुड़ जाएगा यहां पर। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, इसको भी आप यूं समझ लो, जिसके भी अगर मान लो कि समझ में नहीं आया तो आप यूं समझ लो ना इसको, कि ये टूटेगा इधर, इस पर तो क्या आएगा माइनस, इस पर क्या आएगा प्लस, और ये आएगा इधर, इस पर क्या आएगा प्लस, इस पर क्या आएगा माइनस, तो इस पर तो कौन जुड़ जाएगा माइनस वाले पर, ये जुड़ जाएगा, इस पर कौन जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो CH3 एक तो पहले जुड़ा हुआ था CH3, और एक और आ गया CH2 हो गया, और ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया आपके किसके द्वारा, यानी एल्डिहाइड का ऑप्शन कराएंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल देखो, और कीटोन का ऑप्शन कराएंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल, कीटोन का ऑप्शन कराएंगे तो क्या होगा 2 डिग्री एल्कोहल। और यदि यहां पर देखो एथेनॉल में अपन अगर क्या मिला है, सोडियम मिलाकर यह क्रिया कराएं, ध्यान देना, यदि यहां पर एथेनॉल प्लस सोडियम, यदि यह अभिक्रिया एथेनॉल प्लस सोडियम की उपस्थिति में होती है, ध्यान दीजिएगा, यदि यह अभिक्रिया एथेनॉल और सोडियम की उपस्थिति में होती है, कुछ नहीं करना आपको, एरो पर सोडियम प्लस क्या लिखना है, एथेनॉल लिख देना है, केवल सोडियम प्लस एथेनॉल, तो उसे अपन बोलते हैं बुओ ब्लांक अपचेन। क्या बोलते हैं, बुओ ब्लांक अपचेन, बुओ ब्लांक अपचेन, यानी केवल एरो के ऊपर आपको क्या लिखना है, एथेनॉल प्लस सोडियम लिखना है, क्या लिखना है, एथेनॉल प्लस सोडियम। तो बुओ ब्लांक अपचेन क्या होता है, इसका भी मैं चलो बता ही देता हूं आपको, फिर आप कंफ्यूजन में रहोगे कि क्या था ये क्या नहीं था। इधर देखो बुओ ब्लांक अपचेन में कुछ नहीं करना है रे, बहुत इजी है ये तो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये 2H। ठीक है, कुछ नहीं करना था, केवल ये लिखना था ETH, यानी इसको लिख रहा हूं मैं एथेनॉल, ये पूरे लिख लो रे, चलो तुम भी क्या याद करोगे, एथेनॉल प्लस सोडियम बनेगा वो कभी कुछ नहीं, CH3 CH OH CH3, बस यही क्या है बुओ ब्लांक अपचेन। ठीक है, तो सीधा सा आ सकता है बुओ ब्लांक अपचेन की अभिक्रिया, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो बुओ ब्लांक अपचेन की अभिक्रिया क्या होती है, कैसे क्या होती है। ठीक है जी, क्लियर। अगला अपन बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचेन से, एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचेन और एक अपन बात करेंगे एस्टर के अपचेन से, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचेन और किसका, एस्टर का अपचेन। ठीक है, मिटा दे इसको, चलो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचेन और एस्टर के अपचेन से, सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचेन से, किससे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचेन से जो है एल्कोहल किस प्रकार से बनेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, इसका अपन क्या कराएंगे, अपचेन करवाएंगे, क्या करवाएंगे अपचेन, किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, ये अपन कराएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, ये दो हाइड्रोजन जोड़ दो आप और ये अभिक्रिया होती है किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी एक बहुत अच्छा अपचायक होता है, तो ये क्या बनेगा आपका CH3 और CH2 OH और बाहर क्या निकल जाएगा H2O, बाहर क्या निकल जाएगा H2O, तो कितना हाइड्रोजन काम में लिए अपने को, दो और दो चार, संतुलित हो रही है अभिक्रिया, तीन और एक चार और दो छः, तीन दो पांच छः सात आठ, इसको अपने को यहां पर चार हाइड्रोजन लेने हैं, कितने लेने हैं चार हाइड्रोजन। ठीक है, तो अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी, यहां पर एक दो यहां आ जाएगा, फिर यहां पर एक हो जाएगा CH2। ठीक है, तो ये क्या लिया अपन ने, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करवाया किसी उपस्थिति में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। ठीक है, तो भी क्या बना एल्कोहल बना, क्या बना एल्कोहल। अब अपन कराते हैं किसका, एस्टर का अपचयन करवाते हैं, किसका करवाते हैं एस्टर का। ठीक है, तो एस्टर का अपचयन करवाते हैं, तो देखते हैं एस्टर के अपचयन से अपने को क्या प्राप्त होता है। ठीक है जी, चलो करवाते, देखो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ CH3, समझने के लिए इसको मैं डैश वाला दे देता हूं, कौन सा दे देता हूं डैश वाला, इसका अपन कराएंगे चार हाइड्रोजन के द्वारा, किसके द्वारा कराएंगे, इसका भी
चार हाइड्रोजन के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, देखो यहां पर लग जाएगा सी एच थ्री, एक लग जाएगा यहां पर ओ एच, और तीन हाइड्रोजन यहां लगेंगे, यानी सी एच थ्री, इसे डायरेक्ट समझ लो, क्रियाविधि कुछ नहीं है इनकी, आपके दही नहीं रखी इतनी, तो चार में से दो यहां लगा दो सी एच टू, फिर ये ओ एच, तीन लग गए, एक बचा यहां लगा दो प्लस सी एच थ्री ओ एच, यानी यहां पर आपको मैथेनॉल और एथेनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मैथेनॉल और एथेनॉल का क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। यहां पर मैथेनॉल प्लस एथेनॉल का क्या प्राप्त होगा, मिश्रण प्राप्त होगा। ठीक है जी, क्लियर। तो ये हो गया आपका किसके द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन और एस्टर का अपचयन, उससे भी क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन और एस्टर के अपचयन से भी क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं एस्टर के जल अपघटन द्वारा, यानी एस्टर का अपन क्या करेंगे, जल अपघटन करवाएंगे। तो एस्टर का अगर अपन जल अपघटन करवाएंगे तो आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक मिलेगा एल्कोहल। एस्टर का क्या कराना है, जल अपघटन करवाना है। एस्टर का जल अपघटन देखिएगा, एस्टर का जल अपघटन, एस्टर क्या होता है, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री, इसका अपने को करवाना है जल अपघटन, यानी जल के द्वारा तोड़ना, इसका अपन कराएंगे जल अपघटन। जल अपघटन करा दो एच ओ एच, क्या करवा दो, जल अपघटन कर दो इसका एच और ये ओ एच, तोड़ दो यहां से इसको, तो क्या बनेगा, देखो सी एच थ्री सी ओ ओ एच क्या बन जाएगा, एक तो सी एच थ्री सी O, O और ये H, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इधर क्या बचेगा सी एच थ्री एच ओ, सी एच थ्री एच ओ, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल। ठीक है जी, क्लियर। अब अपन कराते हैं हेलो एल्केन से, या जिसे अपन बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड से, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड से इसकी अपन क्रिया करवा के देखते हैं। तो क्या होता है, देखो हेलो एल्केन, और मिटा दे इसको, हो गया, चलो हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड से इसकी क्रिया करवा के देखते हैं अपन। हेलो एल्केन या जिसे अपन क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। ठीक है, मेरे पास है मान लो सी एच थ्री आई, ठीक है, यह है हेलो एल्केन है, इसकी क्रिया मैं करा रहा हूं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, एन ए आई, क्या निकल जाएगा, एन ए, तो यह क्या बचेगा, सी एच थ्री ओ एच, बन गया एल्कोहल सी एच थ्री ओ एच। अब ये छोटी छोटी विधियां हैं, इसमें कुछ भी नहीं है इतना, आप इतना मतलब लोड नहीं लेना है आपको। ठीक है जी, अगला अपन करवाते हैं किसके साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, सिल्वर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, ये ले लेते हैं अपन वापिस सी एच थ्री सी एच टू बी आर। ठीक है जी, और ले लेते अपन सी एच थ्री सी एच टू बी आर, इसकी क्रिया अपन करा रहे हैं किसके साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ, किसके साथ करवा रहे हैं, सिल्वर ऑक्साइड के साथ, Ag और ये Ag, इस प्रकार से। तो अब यहां से क्या होगा, एक तो नम युक्त कराते हैं अपन, यहां पर क्या होती है, नमी होती है, नम यानी नम के अंदर क्या होगी, जल की मात्रा होगी, इसके अंदर क्या होगी, जल की मात्रा तो होगी नमी। ठीक है, यहां पर आपको हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहे, नमी युक्त के साथ करवाते ना, नम के साथ करवाते, तो यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, AgBr निकल जाता है, 2AgBr, और ये बनता है 2, क्या था आपका, CH3 CH2 और OH, और बाहर क्या निकल जाएगा, 2AgBr, यानी चलिए देता हूं मैं, बाहर क्या निकल जाएगा, 2AgBr। ठीक है जी, तो यहां पर ये आप कहोगे सर ये OH कहां से आया, तो यहां पर ये नमी युक्त होता है, यानी नमी जो होती है, नमी कब होती है, यानी जल तो होता है इसके अंदर, जल जो होता है वही तो होती है नमी। अब अपन कराते हैं इसकी क्रिया, कराते हैं किसके साथ, एमीन के साथ, एलिफेटिक एमीन की क्रिया, एक तो ठीक है, एलिफेटिक एमीन यानी RnH2 की क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, नाइट्रस अम्ल के साथ, एलिफेटिक एमीन की क्रिया कराएंगे किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ, एलिफेटिक एमीन, एमीन क्या होता है, RnH2 जिसे अपन कह सकते हैं, एलिफेटिक एमीन की क्रिया कराएंगे अपन किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ, यानी CH3 ये N ये HH, यानी क्या CH3NH2, नाइट्रस अम्ल क्या होता है, HNO2 होता है, क्या होता है, HNO2, तो इसको आप ऐसे लिख लो, ये हो गया आपका नाइट्रस अम्ल, HNO2, क्या हो गया, HNO2, ये इसको तोड़ दो, तोड़ दिया, क्या बना देखो, CH3OH CH3OH, क्या निकला बाहर, N2, ये निकलो N2,
और क्या निकला, एच एच यानी एच टू और ये ओ एच टू ओ। ठीक है जी, तो ये हो गई नाइट्रस अम्ल से भी अपन एल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपके एल्कोहल बनाने की प्रमुख विधियां, और एल्कोहल क्या होता है इसका सामान्य परिचय जो है अपन ने देखा है। ठीक है जी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं इसके बारे में और भी, देखिएगा। ठीक है जी, तो ये हो गए आपके एल्कोहल का एक तो अपन ने सामान्य परिचय देखा आज की क्लास में कि जो एल्कोहल होता है वो क्या होता है, कैसे बनते हैं वो अपन ने देखा। एल्कोहल कहेंगे किसे सबसे पहले, तो देखो एल्कोहल किसे कहेंगे, जब किसी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किसके द्वारा हो जाता है, हाइड्रोक्सिल समूह से यानी OH- से हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। फिर अपन ने बात की थी एल्कोहल के प्रकार के बारे में, यदि OH कितना हो, एक हो तो क्या बोलते हैं उसको, मोनोहाइड्रिक, दो हो तो डाइहाइड्रिक, तीन हो तो ट्राइहाइड्रिक। ठीक है, फिर अपन ने बात की थी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है, जिस कार्बन से OH जुड़ा होगा अगर वो कार्बन 3 से जुड़ा है तो वो हो जाएगा 3 डिग्री, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है अगर वो कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है तो वो हो जाएगा 2 डिग्री, और जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है अगर वो 1 से जुड़ा हुआ तो हो जाएगा 1 डिग्री, क्या हो जाएगा 1 डिग्री, और अगर किसी से नहीं जुड़ा हुआ है जो कार्बन तो वो हो जाएगा 0 डिग्री, या जिसे अपन सुपर 1 डिग्री भी कहते हैं। तो अब अपन बात करते हैं आइए इनके भौतिक गुणों के बारे में, किसके बारे में, भौतिक गुणों के बारे में। भौतिक गुण की अगर अपन बात करें तो भौतिक गुणों में मैं जो मुख्य रूप से बात करूंगा एल्कोहल की विलेयता को लेकर, एल्कोहल के जो भौतिक गुण हैं उसमें मैं बात करूंगा एल्कोहल की विलेयता को लेकर, किसको लेकर, एल्कोहल की विलेयता। पहले तो अपन बात कर रहे हैं एल्कोहल के भौतिक गुण, ठीक है जी, और इसमें अपन बात करेंगे इसकी जल में विलेयता, किसमें, एल्कोहल जल में विलेय होता है। तो क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि एल्कोहल क्या करता है, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। एल्कोहल क्या करता है, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसलिए क्या होता है, जल में विलय होता है। यहां मैं इस तरह से लिख रहा हूं CH3O और ये H, इधर लिख रहा हूं मैं ये जल का अणु, ठीक है, फिर लिख रहा हूं यहां पे मैं वापिस एल्कोहल CH3, ठीक है जी। तो यहां पर देखो, यहां पर ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बंध, यहां पे भी ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बंध, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। फिर से इधर देख लो आप, ये जल का अणु, फिर एल्कोहल, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये एल्कोहल का अणु है और ये जल का अणु है, तो इनके बीच में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बंध बन जाता है, क्या बन जाता है ये, इसको अपन बोल सकते हैं हाइड्रोजन बंध। क्या होते हैं ये, आप 11th क्लास के अंदर जो आपका जो फोर्थ लेसन था संरचना है वो अबंधन, उसके अंदर पढ़ा होगा आपने हाइड्रोजन बंध के बारे में, दो प्रकार के होते हैं, अंत्यणुक हाइड्रोजन बंध और अंतरणुक हाइड्रोजन बंध, दो प्रकार के होते हैं ना, एक तो होते हैं अंत्यणुक हाइड्रोजन बंध और एक कौन सा होता है, अंतरणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है जी, तो क्या होता है, सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है कि एल्कोहल जल में विलय होता है क्यों, एल्कोहल जल में विलय होता है क्यों, तो क्यों होता है, क्योंकि एल्कोहल क्या करता है, जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिसके कारण क्या होता है, ये एल्कोहल जो है क्या होता है, जल में विलय होता है। एल्कोहल क्या होता है, जल में क्या होता है, विलय होता है। कौन सा बंध बनता है, तो क्या अपन कहेंगे, अंतरणुक हाइड्रोजन बंध बनता है, कौन सा बनता है, अंतरणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है जी, मिटा दे, चलो अगला अपन बात करते हैं इसके क्वथनांक के बारे में। ये तो हो गई विलेयता, जल में क्यों विलय होता है, अगला जो अपन बात करेंगे वो अपन बात करते हैं क्वथनांक को लेकर। भाई एल्कोहल का क्वथनांक जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। एल्कोहल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है, इसको लेकर बात करते हैं। देखिए एल्कोहल के जो दो अणु हैं उनमें भी आपस में क्या बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है, क्या बनता है, हाइड्रोजन बंध। एल्कोहल के जो अणु होते हैं उनमें भी आपस में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण उनके क्या होते हैं, गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। देखो ये एक एल्कोहल का अणु है CH3OH, ये देखो एल्काणु है CH3OH, और ये भी एक देखो एल्कोहल का अणु है CH3OH, तो ये देखो इनके बीच में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध, जिसके कारण क्या होता है, इनका जो क्वथनांक है वो क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। इनके कारण का क्वथनांक क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। देखो हाइड्रोजन बंध किनके बीच में बन सकता है, देखो जब भी अगर आपको पता करना हो ना कि हाइड्रोजन बंध कहां बन सकता है, तो फोन लगा लो,
जब भी आपको हाइड्रोजन बंध का पता करना हो कि हाइड्रोजन बंध कहां बनेगा, तो क्या लगा लो, फोन लगा लो, यानी FON, यानी जब हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ हो, फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ हो, या ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हो, या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो इनमें अगर हाइड्रोजन किसी के भी साथ जुड़ा हुआ हो, इनमें से अगर किसी के भी साथ जुड़ा हुआ हो, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बंध बनेगा, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए अगर हाइड्रोजन अगर इनके साथ जुड़ा हुआ होगा तो क्या करेगा वो, अगर हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ा हुआ होगा तो क्या बनाएगा वो, हाइड्रोजन बंध बनाएगा, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती थी, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके एल्कोहल के भौतिक गुण, दो ही आपको विशेष तौर से ध्यान रखने हैं, ठीक है। बाकी जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है, अणु क्या होता है, यानी वैन डेर वाल्स गुण बढ़ता है, ठीक है, तो वो अणु जैसे द्रव में कौन से होंगे, गैसीय अवस्था में कौन से होंगे, वो अलग मैटर है, ठीक है। जैसे मेथेनॉल क्या होता है, जहरीला होता है, ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा ना कि जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत, इस प्रकार की खबर आती है ना अखबार में, जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, तो उनकी जो शराब में, जैसे शराब में क्या होता है, एथिल एल्कोहल, जिसे अपन बोलते हैं एथिनॉल बोलते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी एथिनॉल की जगह पे क्या हो जाता है, मान लो मेथिनॉल हो गया उसके अंदर, तो मेथिनॉल तो एक प्रकार का विष का काम करेगा, अम्लीय होता है वो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अगर उसका सेवन करेगा तो व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसलिए अखबार में अपन ऐसा सुनने को मिलता है कि जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत वगैरह, तो पीते क्यों हो, ठीक है। तो ये आज की जो कक्षा थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था, ठीक है। आपकी बार बार मांग आ रही थी कि सर आप क्लास रेगुलर नहीं ले रहे हो, तो अब तो देखो रेगुलर आ रही है यार, अब नहीं कह सकते हो, ठीक है, रोज क्लास आ रही है अब तो, ठीक है, और आगे भी जारी रहेगी। आप पढ़ाई करते रहिए और हम पढ़ाते रहेंगे, स्कूलें खुले या ना खुले, लेकिन आपको नॉलेज मिल रहा है, आपकी पढ़ाई जारी है। मैंने फिर पहले भी कहा था कि जहां कहीं से भी यूट्यूब पे, मेरे चैनल से भी नहीं, कहीं से भी आपको अगर कुछ भी नॉलेज मिल रहा है, आप लो, नोट्स मिल रहे हैं, नोट्स का फायदा लो, ठीक है। हमने नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, टेस्ट पेपर भी हम वहां पे अपलोड करने वाले हैं, तो आप टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्लासे बिल्कुल अपनी फ्री है, कोई आपको कॉस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, कोई जो नो कॉस्ट यानी किसी प्रकार की फीस आपको देने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा, फ्री मिलेगा। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि मेरे चैनल के ऊपर कभी कोई पेड जो मैटर है हम नहीं डालेंगे, जो भी डालेंगे फ्री में डालेंगे, जो भी डालेंगे फ्री में डालेंगे, किसी प्रकार का जो शुल्क जो है लेने का हमारा विचार नहीं है। भगवान की दया से जब ऑफलाइन क्लासेस चलती है, अभी तो हालांकि कोरोना की वजह से हालत खराब हो रखी है, मैं क्या कहूँ, लेकिन जब चलती है तो भगवान की दया से खूब मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। आपका प्यार जो है हमारे साथ इसी प्रकार से बना रहे, और यदि कक्षाओं को पढ़ने में आपको थोड़ा भी लग रहा है कि हाँ मुझे कुछ नॉलेज मिला है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, यही आपका सबसे अच्छी गुरु दक्षिणा होगी। चैनल पर सब्सक्राइब बढ़ाइए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, जब वीडियो पे व्यूज अच्छे आते हैं तो हमें भी लगता है कि हमारी मेहनत क्या है, सार्थक है, बच्चों को फायदा मिल रहा है, ठीक है जी। और लास्ट में वही, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।